मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साजिश हेल्थ केयर एकेडमी। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको डबल ग्लांस के बारे में बता रहा हूँ। सिंगल ग्लांस हमने पहले देखे हुए, आज मैं आपको डबल ग्लांस बता रहा हूँ कि एट द टाइम दो क्वाइन को टच करके हमारी पैकेट के पॉकेट के ऊपर जो हमारी क्वाइन है उसे हमें लेना है और ये दोनों पीस को जिस तरीके से जाएगी उसको जाने देना है। बट ये दो डबल ग्लांस हमें सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मैचेस में खेलने में बहुत बार आता है, तो हम ध्यान देंगे ये डबल ग्लांस किस तरीके से करना है। मैं आपको फिर से उसी पॉइंट पे लाऊंगा। फर्स्ट कॉइन जो है ये सबसे हमारी मेन है। अगर फर्स्ट कॉइन को स्ट्राइकर आपका सही लगता है तो आगे वाली सेकेंड कॉइन पे जाएगा और सेकेंड कॉइन पे ऑटोमेटिक सही लगेगा तो हमारी पैकेट वाली कॉइन पे डेफिनेटली जाएगा। तो मैं अलग अलग तरीके से डबल ग्लांस हिट करने वाला हूँ, आप उसे गौर से देखिए, अपने प्रैक्टिस में लीजिए और समझिए कि किस तरीके से हमें इसे खेलना है। तो चलो हम देर नहीं करेंगे और डबल ग्लांस देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अभी शुरू करें डबल ग्लांस। देखिए, मैंने ग्लांस अरेंज किया हुआ है, ये एंगल में आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये व्हाइट के बीच में स्ट्राइकर लगेगा। स्ट्राइकर देखिए मैंने स्ट्रेट लगाया है, स्ट्राइकर व्हाइट निकल के उस तरफ जाएगी, मेरे हैंड पे आएगी और ब्लैक को लगने के बाद ब्लैक के सेंटर के थोड़ा बाहर लगनी चाहिए, व्हाइट टकरा के ब्लैक टकरा के मेरे हैंड पर आएगी। और ये अपोनेंट की कॉइंस है, जो ब्लैक है वो मेरे हैंड पे आना चाहिए और ब्लैक को लगने के बाद स्ट्राइकर व्हाइट पे जाएगा हमारे और व्हाइट पॉकेटिंग होगी। ध्यान रखना है कि हमारी जो फर्स्ट कॉइन है उसे करेक्ट स्ट्रोक लगना चाहिए। व्हाइट पीस पर करेक्ट लगेगा तो अपोनेंट के ब्लैक पर बराबर कॉइन पे बराबर स्ट्रोक लगेगा, उसके बाद हमारी कॉइन पॉकेटिंग हो जाएगी। मैं लेफ्ट साइड में भी आपको दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से हमें हिट करना है, व्हाइट का सेंटर, ब्लैक का सेंटर और वो व्हाइट पे स्ट्राइकर लग जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी देखिए लग गया। ध्यान रखना है कि हमारी फर्स्ट कॉइन को टारगेट करेक्ट लगना चाहिए। अगर हमारी फर्स्ट कॉइन को करेक्ट लग गया तो सेकेंड कॉइन को ऑटोमेटिक लगेगा और जो हमारी कॉइन है पॉकेट के पास है वो ऑटोमेटिक चली जाएगी। मैं आपको अलग अलग जगह पर रख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी जाएगी। देखिए, ब्लैक का मैंने सेंटर पॉइंट को हिट करूँगा अभी, देखिए बराबर लग गया, बहुत ही इजी है। ओनली हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि जो फर्स्ट कॉइन है उसे स्ट्राइकर करेक्ट लगना चाहिए, उसके एंगल में स्ट्रेट हमें स्ट्राइकर बेस लाइन पे लगाना है। देखिए, मैं आपको अलग अलग जगह से रख के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी जाएगी। देखिए, व्हाइट के स्ट्रेट स्ट्राइकर है बेस लाइन पे, देखिए लग गई, पॉकेटिंग चली गई कॉइन। मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी जाए। खेलने के लिए बहुत डिफिकल्ट लगती है मगर पैकेटिंग करने में बहुत आसानी है। ओनली हमें फर्स्ट कॉइन को टारगेट करेक्ट करना है। देखिए, ब्लैक पॉकेटिंग चली गई, फर्स्ट कॉइन भी अपनी ही है बट वो पॉकेटिंग अगर जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर सामने वाला की कॉइन जो है वो हमारे हैंड पर आनी चाहिए। देखिए, मैं भी अलग अलग जगह से फिर से ट्राई कर रहा हूँ, मैं अलग अलग पोजीशन पे ले रहा हूँ ताकि खेलने में और समझने में आसानी जाएगी। ब्लैक के सेंटर में लगना चाहिए तो व्हाइट के सेंटर में ऑटोमेटिक लगेगा। देखिए, व्हाइट मेरे हैंड पर आई है, अपोनेंट की कॉइन्स, हमारी कॉइन्स को करेक्ट स्ट्रोक लगने के बाद अपोनेंट के कॉइन्स को बराबर लगेगा। अभी मैं इस तरफ आया हूँ, देखिए ब्लैक के सेंटर में लगने के बाद व्हाइट के सेंटर में लगेगा और व्हाइट भी हैंड पर आना चाहिए और हमारी कॉइन पॉकेटिंग होगी। देखिए, मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि ताकि हमारी कॉइन तो भी एटलीस्ट बाहर आनी चाहिए, ये डबल ग्लांस में होना चाहिए। अपोनेंट की कॉइन्स भी हैंड पर लेना है बट वो भी अगर हैंड पर ना आती है बट हमारा ग्लांस करेक्ट लगना चाहिए ताकि हमारा टर्न जो है वो कंटिन्यू रहेगा और हम हमारी सेकेंड कॉइन को भी आराम से पॉकेटिंग कर सकते हैं। देखिए, सेकेंड पॉइंट कॉइन जो है मेरी वो भी ईजी सामने आ रही है ताकि वो सेकेंड टर्न में मिस नहीं होगी। देखिए, व्हाइट का सेंटर मैंने स्ट्रेट स्ट्राइकर लगाया स्ट्रेट और हिट किया वो व्हाइट के सेंटर में, तो ऑटोमेटिक वो ब्लैक के सेंटर में लगेगा और ऑटोमेटिक पॉकेटिंग व्हाइट करेगा। देखिए वो जो व्हाइट है वो बहुत पास में आ गई, हमें फिनिशिंग करने के लिए बहुत आसानी जाएगी। दिखने को ये शॉट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट अगर हम करेक्ट हिट करते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको एक ही कहूँगा कि जो फर्स्ट कॉइन है उसे हमें हीट करेक्ट करना है। अगर उसे हमने हीट करेक्ट कर दिया
तो डेफिनेटली हमारा डबल ग्लांस सक्सेस हो जाएगा, सामने वाले की कॉइन्स हमारे हैंड पर भी आएगी और जो हमारी कॉइन है वो भी हमें आसान हो जाएगी। देखिए देखिए वाइट घूमकर आई है मेरे हैंड के पास, अपोनेंट की कॉइन मेरे हाथ पर आई गई। इसे डबल ग्लांस इसीलिए कहते हैं कि एक टाइम में हम तीन कॉइन्स को स्ट्राइकर हिट करेंगे ताकि हमारी फर्स्ट कॉइन इजी हो जाए, अपोनेंट की कॉइन्स हमारे हैंड पे आ जाए।